भाजपा की सरकार जिन्होंने हमसे वादा किया था चुनाव के पहले कि इस भर्ती को पूरी तरह से निरस्त करेंगे, इसमें इस वादा में बृजमोहन अग्रवाल जी, अरुण साव जी, ओपी सर जी, बाकी जितने रमन सिंह जी, सभी ने अपना वादा किया था और बोला था कि इसमें 975 पोस्ट को पूरी तरह से रद्द कर इस भर्ती को पुनः नए तरीके से लेंगे। आज वो समय आ चुका है। हम भाजपा को यह बताने जा रहे हैं कि यह भर्ती पूरी तरह से भ्रष्ट है। इस भर्ती में कांग्रेस की सरकार ने बहुत पैसा खाया है, किसी ने 20 लिया है, किसी ने 25 दिया है। हम इस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। जैसा कि आप ये वीडियो देख चुके हैं, इस वीडियो में सोनू भैया ने दो चीजें कही हैं। पहला तो इन्होंने बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों का नाम लिया है और कहा है कि उन्होंने इन्हें चुनाव से पहले कहा था कि ये एसआई भर्ती वो रद्द करेंगे, और दूसरा इन्होंने कहा है 20 से 25 लाख रुपए इस एसआई भर्ती में चले। मैं पहली बात जो इन्होंने कहा है कि बड़े बड़े मंत्रियों ने इन्होंने प्रॉमिस किया है, तो मैं इनको लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन बड़े बड़े मंत्रियों से हम भी मिल चुके हैं। इन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि एसआई भर्ती जल्द से जल्द होगी और ये सारे वीडियो YouTube में भी अवेलेबल है। जबकि सोनू भैया जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों ने इन्हें आश्वासन दिया है, मैं सोनू जी से कहना चाहता हूं कि आप इन नेताओं की छवि बर्बाद मत करिए, और नेताजी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो आपका नाम लेकर भ्रम फैला रहे हैं, ये आपकी छवि बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा चीज जो ये कह रहे हैं कि 20 से 25 लाख रुपए चला है, तो जब आप हाई कोर्ट में गए थे तब आप वहां पर तथ्य क्यों नहीं प्रस्तुत किए? हाई कोर्ट में जब 120 से ज्यादा याचिका लगी है तो आप एक भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, और मीडिया में आप उलझुल जुलझुल की बात कर रहे हो कि 20 से 25 लाख रुपए चला है। भैया, आपके पास अगर तथ्य है तो आप प्रस्तुत क्यों नहीं करते? हमें भी जानकारी होगी, हम भी जानेंगे कि किन्होंने दिया है। हम भी चाहते हैं कि भ्रष्ट लोग एसआई भर्ती में ना आए, जो ईमानदारी से पढ़े वो हमारे साथ सहयोगी बने। तो ये झूठ का भ्रम फैलाना, नेताओं की छवि खराब करना, आप ये ना करें। और मैं युवाओं से भी अपील करता हूं कि ऐसे छूट भैया नेता के चक्कर में ना पड़े। ये छूट भैया नेता बस अपनी राजनीति में प्रवेश पाना चाहते हैं, बस लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, बच्चों को बुलाएंगे, बच्चों का समय बर्बाद करेंगे, और बस इनसे तो कोई एग्जाम निकलेगा नहीं। ये प्यून का एग्जाम भी नहीं निकाल सकते, लेकिन आपका जो एक एक दिन इम्पोर्टेंट है ये बर्बाद करेंगे। और एक एक छात्र के लिए एक एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है छात्र ही समझ सकता है। तो छात्र अपने विवेक से काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। निसंदेह एसआई भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके उनके व्यापम के रिजल्ट को भी लिया है हाथ में। उनके अभी जितने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जितने लोगों के टेस्ट कराने थे, फिजिकल भी किया है, इंटरव्यू भी किया है, अब दोनों को क्लब करके एक मेरिट लिस्ट बनाना है। मैं सोचता हूँ कि 15-20 दिन में वो सब काम हो जाएगा। तो लंबे समय से डिमांड है भैया कि एसआई भर्ती जारी कर दी जाए, सरकार की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। हमने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से पिछले दिनों भिलाई दौरे पर उनसे पूछा था कि रिजल्ट कब जारी करेंगे, उन्होंने कहा था 15-20 दिन का वक्त दिया था। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव से भी हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आ जाएगा। इसके अलावा सरकार के तमाम लोगों से भी हम लगातार सवाल करते रहे हैं, सबका एक ही जवाब है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।